सत श्री अकाल दोस्तों, 3 घंटे ट्रैफिक में फंसने के बाद पहुंच गया हम गुरुद्वारा साहिब छट्टी पाछा रैनावारी में। गाड़ी लगाई पार्किंग में, ऊपर से पंछी कर रहे थे स्लाइड, शूज रखे इधर, अंदर किए दर्शन गुरुद्वारा साहिब में। ये हॉल में आज प्रोग्राम है, ये करें आप बाबा जी के दर्शन। प्रसाद लिया बहुत टेस्टी, कूलर मेरे से बड़ा था, मेरी सी हाइट से बड़ा था। ये है लंगर हॉल, यहाँ पे लंगर खाया, छोटे छोटे प्यारे बच्चे सेवा कर रहे थे इनकी, ऊपर वाला वाहेगुरु जी लंबी उम्र करे। ये देखिए बीनू भाई ने माथा टेका, लंगर खाया, ये यहाँ पे बर्तन जो है साफ कर रहे थे, सेवा हो रही। ये गुरु घर की किचन है जहाँ पे बड़े बड़े बर्तनों में लंगर बनाया जाता है। फिर भाई मिले उड़ी से और प्रताप भाई मिले जो कि अभी जम्मू में रह रहे हैं, है कश्मीर से, और छोटे छोटे बच्चे आए, पीछे से हग किया, बहुत ही प्यार करते हैं ये। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है कबड्डी की कुछ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, जोश जोश में रेड पर। दूसरी टीम वालों ने इनको पकड़ लिया, वो जीत चुके हैं। इसी खुशी में भाई ने मारी थापी और लास्ट में सेलिब्रेट किया, हम सब ने भी थापी मार के। अब देख सकते हो मैंने चाय पी, पर यह है खाली ग्लास। जयवीर भाई ने लिया प्रसाद और सबको किया सत श्री अकाल, पढ़ चुका है। और गुरु ग्रंथ साहिब जी को लिया जा रहा है गुरुद्वारा हॉल से, गुरुद्वारा साहिब में बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ। ये वही गुरुद्वारा है जहां पे माता पाक परी जी ने किया था गुरु हरगोबिंद साहिब जी को याद और उनके लिए झोला तैयार किया था, और गुरु साहिब जी ने खुद यहाँ पे विजिट किया था, बहुत ही पवित्र जगह। फिर लिए खिलौने और फिर हम डल के साइड से घूमने चले गए, डल ले घूमा। शाम को गुरुद्वारा साहिब शीतबुंगा में किए दर्शन, फिर हम घर आ गए वापस।